शायद जी ये अनुकल्प की बहनें हैं, वो दुल्हन स्वीटी से मिलने आई थी। ठीक है आप लोग बैठो मैं भी आती हूँ। बात कर रणवीर जी, आजकल तो आप लड़कियों को घुमा रहे हैं। वो तो दारजी ने मुझे कहा था, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम लोग ही संभालो। ये खा लीजिए, 2 मिनट में तबीयत हरी हो जाएगी आपकी। सिर्फ अपने वैद्य की दवाइयाँ खाता हूँ वरना नहीं। पर बापू जी आ तो होम्योपैथिक गोलियों से ले लो। डॉक्टर पहुंच रहे हैं ना? ओके। उन्होंने कहा कि बापूजी को सबसे पहले कुछ मीठा खिला दीजिए। वो मैं थोड़े से रसगुल्ले लाई थी चावला मिठाई वाले से, उनकी रसोई बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप कौन हैं। अब मैं बहू के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतनी कठोर नहीं हूँ, मैं तो माफ कर देती। अरे बहू जा एक रसगुल्ला लिया। लेकिन यह शुद्ध शाकाहारी हलवाई की दुकान से आई है ना? अब तो बहुत देर हो चुकी है, रसगुल्ला तो आपके पेट पर पहुंच चुका है। तुम्हें भैया को गली में मिली थी और एड्रेस भी तुम्हें ने बताया था ना? अनुकल्प तो बहुत शर्मिला है, वो तो मैंने देखा कि गली में परेशान घूम रहा था तो मैं पहुंच गई हेल्प करने के लिए। अच्छा अच्छा, पूरे मोहल्ले भर का ठीका जो ले रखा है हमारी मोना मैडम ने, कोई चाहे या ना चाहे सबकी मदद करने पहुंच ही जाती है। बीपी तो आपका नॉर्मल है, वैसे अच्छा हुआ जो आपने इन्हें मीठा खिला दिया। अब इन्हें रेस्ट करने दीजिए, शाम तक ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे। सेजल इतनी चुप चुप से क्यों रहती है? ये तो बचपन से ऐसी है। अच्छा पता है हमारे बगल में एक अंकल रहते थे, उनकी बेटी भी ऐसी थी, हमेशा चुपचाप रहती थी। फिर ने उसे डॉक्टर को दिखाया, बच्चा के पता चला कि उसमें कोई बचपन का डर समाया हुआ था। उस डर का इलाज होने के बाद ही वो नॉर्मल हुई। तुम्हें वो नंबर दो शायद सेजल के लिए। जी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं किसी से डरती हूँ। फिजूल की बातें करना मुझे पसंद नहीं है, ये कोई गुनाह है क्या? शायद इन्हें पहचानने में मैंने गलती कर ली, नजर धोखा खा गई। ये भी भले लोग हैं। स्वीटी आपको इस हाल में देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी बेचारी। नशा तो उतरने दीजिए, रुकिए जी। कुछ होश है तुझे? तेरी बहने यहाँ सब पिए हुए लोगों के बीच में सब पी दिला। आओ क्या हुआ? सिचल रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्या हुआ? आज मैं किसी के रोके नहीं रुकने वाला। मैं भी तो देखूं मेरी बेटी से मिलने से मुझे कौन रोकता है। आप आज भी पीकर आए? तेरी विदाई है ऐस करके ही तो पी के आया हूँ। अगर मैंने गलती से भी सेजल का दिल दुखाया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी। मुझे सुनाकर चैन नहीं मिला, सेजल को रुला दिया। जरूर कोई गलत फहमी होगी, एक बार सुन। कोई गलत फहमी नहीं है, सब कुछ मेरी नजर के सामने है। ये घर, ये परिवार, इनके संस्कार। गलती मुझसे हुई है ना आंटी जी, आप मेरे परिवार को क्यों दोष दे रही है? बड़ों से इस तरह बात की जाती है? हा? भले घर की लड़कियों के यही संस्कार है क्या? आप किन संस्कारों की बात कर रही हैं बहन जी? मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? अपनी बेटी से पूछिए। लेकिन मैं किससे शिकायत कर रही हूँ? जैसी माँ वैसी बेटी। जो भी कहना आप मुझे कहिए, लेकिन आप मेरी मम्मी जी को क्यों सुना रही हैं? इसमें उनकी क्या गलती है? उन्होंने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। अम्मा जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आज पता नहीं उनको क्या हो गया। माफी की तो बात ही नहीं है पुत्र, क्योंकि मेरे जवान में तो वैसे ही हड्डी नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात गलत कही है, तुझ पे मेरे संस्कार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तू तो एक चींटी का भी मन नहीं दुखा सकता।